हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन लाए हैं जो कि वन लाइन में रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में नंबर लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत ही, जो कि आपने देखा परीक्षा मंथन जैसी बुक है उसमें से कलेक्शन लिया है। तो आप ये सभी क्वेश्चन एक बार देख लें, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। तो इसमें आपका लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से 20 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। तो आप वन बाय वन करके जल्दी जल्दी देखते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको दिख ही रहा है कि पहला है क्या, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस शामिल रहती है। इसके बाद शब्द का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे व्यक्ति घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है, उसका है रिसोर्स। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है दोस्तों डिजिटल डाटा। कंप्यूटर का प्रकार प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके डेड डेस्क को परिभाषित करती है, प्लेटफॉर्म को, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया, किसे, व्यक्ति को, यानी पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को कहते हैं बारम बूटिंग। डेस्क एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित के लिए जाँच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं बूटिंग। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे डेड डेस्क कहते हैं, यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है किसी पीढ़ी के, दोस्तों यहाँ पर चौथी पीढ़ी की बात की जा रही है, इसमें लिखा नहीं है, तो इसमें है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है। दोस्तों, चौथी पीढ़ी के मुख्य पुर्जा था माइक्रो प्रोसेसर। बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो दोस्तों वो है पहली पीढ़ी के। आगे का है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, मोचले एवं ई कार्ड ने। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं BLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। माइक्रो कंप्यूटर को डेटस कहते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC बनी होती है सिलिकॉन से। NEC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था इलेक्ट्रो मैकेनिकल। एनालॉग कंप्यूटर है, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है मारक बन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया, माइक्रो कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन है एबेकस। अगला है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया सकता है, लैपटॉप। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ है जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हो। द्वितीय पीढ़ी में जो मुख्य पुर्जा है वो है ट्रांजिस्टर। पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता है, पास्कल। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया चार्ल्स बेबेज ने। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, जॉन वॉन न्यूमैन। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, चार्ल्स बेबेज।
सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जी एस किलवी ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेड टूस था, बड़ा आकार। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट। कार्य पद्धति के आकार पर कंप्यूटर के प्रकार, डिजिटल माइक्रो। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाइएगा। अगला है, कार्य पद्धति के आकार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल और माइक्रो। वैसे दोस्तों यहाँ पर माइक्रो नहीं है क्योंकि एक हिस्सा है, डिजिटल है और एनालॉग भी होते हैं इसका, ठीक है। सुपर चिप का उपयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, 80386, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। अगला है, डेडेस एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर। सीक्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है, वह है हाइब्रिड। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता, कृत्रिम बुद्धि। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी, एस डेक। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, लैपटॉप। कंप्यूटर की आईसी चिप उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। अगला है, पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? माइक्रो। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य क्या नहीं है? डेटा आकलन। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है 1 लाख संख्या। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास की 1 लाइन क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलिएगा, और अभी नए हों चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।